इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाना है, जहां पर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाएगी। काफ़ी ज़्यादा रोमांचक है, काफ़ी ज़बरदस्त सीरीज है। यह सीरीज स्टार्ट हो जाएगी 27 नवंबर 2020 को और 19 जनवरी 2021 तक की यह सीरीज खेली जाएगी, जहां पर सबसे पहले टीम इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 ODI मैचों की सीरीज खेली जाएगी। उसके बाद 3 T20 मैचों की सीरीज, जबकि आखिर में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। तो काफ़ी बड़ी सीरीज होने वाली है। इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड 2020 के दौरान ही ऐलान कर दिया गया था। T20 और ODI और टेस्ट स्क्वाड, जहां पर रोहित शर्मा को टीम में शामिल नहीं किया गया था हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से। उनकी जगह पर टीम में KL राहुल को उपकप्तान यानी कि वाइस कैप्टन बनाया गया था। लेकिन अब यहां पर रोहित शर्मा की वापसी को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा ईशांत शर्मा को भी टीम में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब ईशांत शर्मा की भी वापसी होने जा रही है टीम इंडिया में। वहीं आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड फिर से ऐलान किया गया है। नया टीम स्क्वाड चुना गया है, जहां पर 4 और जबरदस्त यंग तेज गेंदबाज को टीम में शामिल किया गया है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, जिनमें नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स के युवा तेज गेंदबाज कमलेश नगरकोटी, जबकि राजस्थान रॉयल्स के युवा तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी, तो वहीं ईशान पोरेल किंग्स इलेवन पंजाब के बेहतरीन तेज गेंदबाज, जबकि टीम में शामिल किया गया टी नटराजन को सनराइजर्स हैदराबाद के युवा तेज गेंदबाज। तो ये 4 तेज गेंदबाज और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जाएंगे। तो आपको बताएंगे इस वीडियो में टीम इंडिया के कंफर्म T20 ODI और टेस्ट स्क्वाड के बारे में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखते रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं भारतीय टीम के स्क्वाड के बारे में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए। तो आपको बता दें कि रोहित शर्मा को पहले टीम में शामिल नहीं किया गया था हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से, लेकिन अब वो फिट हो चुके हैं। तो अब यहां पर बीसीसीआई की तरफ से बड़ा बयान आ चुका है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा कि जब वो फिट हो चुके हैं तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा को भेजा जाएगा। बस शर्त यह है कि रोहित शर्मा अब दोबारा इंजर्ड ना हो इस दौरे से पहले, इस सीरीज से पहले। तो इसके अलावा ईशांत शर्मा को लेकर भी बड़ी अपडेट्स दी है बीसीसीआई ने। उन्होंने कहा है कि ईशांत शर्मा भारतीय टीम के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा रहने वाले हैं, ये भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे। पहले इन्हें टीम स्क्वाड में नहीं चुना गया था। तो चलिए बात करते हैं T20 ODI और टेस्ट स्क्वाड के बारे में। तो कुछ इस तरह से भारतीय टीम का ODI टीम स्क्वाड है। तो नंबर 1 पर भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली, नंबर 2 पर रोहित शर्मा। दोस्तों रोहित शर्मा की इंजरी पर डिपेंड है, अगर वो फिट रहते हैं वहां तक तो टीम इंडिया के स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे, वरना फिर ये ड्रॉप हो जाएंगे। उम्मीद है कि फिट रहेंगे। अगर बात की जाए नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर KL राहुल विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 4 पर मयंक अग्रवाल, नंबर 5 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 6 पर युजवेंद्र चहल, नंबर 7 पर शिखर धवन, नंबर 8 पर शुभमन गिल, नंबर 9 पर श्रेयस अय्यर, नंबर 10 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 11 पर मनीष पांडे, नंबर 12 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 13 नवदीप सैनी, नंबर 14 मोहम्मद शमी, नंबर 15 शार्दुल ठाकुर, नंबर 16 कुलदीप यादव चाइनामैन स्पिनर। तो गाइस ये भारतीय टीम का ODI स्क्वाड है 16 खिलाड़ियों का। अब अगर हम बात करें T20 स्क्वाड के बारे में, तो T20 स्क्वाड का भी हिस्सा रहेंगे रोहित शर्मा, अगर वहां तक वो फिट रहते हैं तो। लेकिन अगर वो दोबारा इंजर्ड हो जाते हैं तो फिर इन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह से टीम इंडिया का T20 स्क्वाड, नंबर 1 विराट कोहली कप्तान, नंबर 2 रोहित शर्मा, नंबर 3 KL राहुल, नंबर 4 मयंक अग्रवाल, नंबर 5 जसप्रीत बुमराह, नंबर 6 युजवेंद्र चहल, नंबर 7 दीपक चहर, नंबर 8 वरुण चक्रवर्ती कोलकाता नाइट राइडर्स के जबरदस्त स्पिनर, नंबर 9 शिखर धवन, नंबर 10 श्रेयस अय्यर, नंबर 11 रविंद्र जडेजा, नंबर 12 मनीष पांडे, नंबर 13 हार्दिक पांड्या, नंबर 14 नवदीप सैनी, नंबर 15 संजू सैमसन विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 16 मोहम्मद शमी, नंबर 17 वाशिंगटन सुंदर। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड कुछ इस तरह से है। नंबर 1 पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, नंबर 2 अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन, नंबर 3 मयंक अग्रवाल, नंबर 4 रोहित शर्मा, नंबर 5 रविचंद्र अश्विन, नंबर 6 जसप्रीत बुमराह, नंबर 7 शुभमन गिल, नंबर 8 रविंद्र जडेजा, नंबर 9 ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 10 जितेंद्र पुजारा, नंबर 11 KL राहुल, नंबर 12 विद्यमान साहब विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 13 नवदीप सैनी, नंबर 14 मोहम्मद शमी, नंबर 15 पृथ्वी शाह, नंबर 16 मोहम्मद सिराज, नंबर 17 हनुमा विहारी, नंबर 18 कुलदीप यादव, नंबर 19 उमेश यादव, जबकि नंबर 20 पर ईशांत शर्मा जबरदस्त तेज गेंदबाज। दोस्तों ये भी डिपेंड है इंजरी के ऊपर, अगर यहां तक ये फिट हो जाते हैं 100% तो टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे, लेकिन अगर फिट नहीं हो पाते हैं तो इन्हें भी बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि ये फिट हो जाएंगे टेस्ट सीरीज से पहले पहले, और इस वजह से ये भी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे। जबकि कमलेश नगरकोटी, कार्तिक त्यागी, ईशांत पोरेल और टी नटराजन, ये 4 नए तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे टीम इंडिया के साथ, जो कि इन्हें टी20
20 और ओडीआई सीरीज के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में चुना गया है। अगर कोई भी खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो फिर इन्हें टीम में शामिल किया जाएगा, लेकिन टेस्ट सीरीज के दौरान भी ये टीम इंडिया के साथ रहेंगे। वहां पर भारतीय बल्लेबाजों को प्रैक्टिस करवाएंगे अपनी गेंदबाजी से। तो गाइस इधर भारतीय टीम का कंफर्म टीम स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट ओडीआई और टी20 सीरीज के लिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार जरूर दें।